हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज मैं फिर से आपको एक अपने शूट वाली वीडियो में लेके जा रहा हूँ। तो जैसे आपने शुरू की दो शूट्स देखे, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। जैसे कि ये वाला शूट है कम्प्लीटली आउटडोर है। ये एक स्कूटी के लिए शूट है जिसमें एक मैं ही सोलो आर्टिस्ट हूँ और जिसमें हम आउटडोर शूट करेंगे। प्रिंट शूट है ये। प्रिंट का मतलब स्टिल शूट, वीडियो शूट नहीं है ये। अभी के जो मेरे पहले के दो शूट जो थे वो वीडियो शूट थे, ये प्रिंट शूट है। इसलिए ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो मैं जैसे पहले दो अपने शूट में दिखा चुका हूँ, आपको ट्राई करूँगा कि एज मच एज पॉसिबल कि क्या अच्छा आपको दिखा सकता हूँ कंटेंट। और बाकी स्टार्ट करते हैं। हेयर वी आर शूटिंग। सो ये लोकेशन गुड़गांव में सेक्टर 62 के आसपास है कहीं। इट्स AIPL बिजनेस पार्क। तो अभी है, एक इशू आ गया है शुरू होते ही। तो बेसिकली हम जैसे पता है कि बाहर शूट कर रहे हैं, तो अभी इन्होंने टेंट में जनरेटर चलाया है लेकिन वहाँ पे आयरन नहीं हो पा रहा है कॉस्ट्यूम पे। तो अभी पास में जो बिल्डिंग है वहाँ पे गार्ड रूम को रिक्वेस्ट किया है कि भैया थोड़ी देर के लिए आप अपना गार्ड रूम दे सकते हो, क्या आयरन करना है। तो आयरन चल रहा है हमारा। ये भाई हमारे आयरन कर रहे हैं। शूट पे ऐसे ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। भाई अपना नाम बताएंगे। भाई आपका नाम? मतलब हसन। हसन भाई। हसन भाई जो है वो मनीष को असिस्ट करते हैं स्टाइलिंग। अब हमारा ब्रेकफास्ट है पराठे, सो जोमेटो से चलो आया है। खैर, तो एक काम करता हूँ। आज यही आपको है अपने आप एक ब्रेकफास्ट में, नंबर नोट कर लेना, तो मैं फादर का एडजस्ट नंबर करना लेता हूँ, उनको पड़ता फोन है। कर हर दूँगा, जगह बोल देना ऑप्शंस नहीं मैं होते अपनी जगह खाने में, पहुँच तो आप ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ बाहर हमारी कार्स खड़ी हैं और सामने है वो टेंट लगा हुआ है जिसमें हमारी स्टाइलिंग कॉस्ट्यूम वगैरह वगैरह। और बाकी अभी जो प्रोडक्ट है वो आया नहीं है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो जिसका डर था वही हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी आपको इतनी अभी दिखाई नहीं दे रही होगी वीडियो में, बहुत थिन ड्रॉप्स हैं। मैं आपको देखो अगर यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि बारिश हो रही है। तो आप आउटडोर शूट में बारिश देखते हैं कैसे होता है, या तो बारिश रुकने का वेट करेंगे या फिर हम कुछ और जुगाड़ करेंगे। गैस वॉट पैकअप हो गया। और क्या टाइम हो रहा है अभी? 2:30 बजे हैं, दोपहर के 2:30 बजे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि शूट इतनी जल्दी भी फिनिश हो जाता है। जैसे मेरे लास्ट दो जो शूट थे बहुत लंबे खींचे थे, अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट हो गया था, बट दिस वन वॉज वेरी क्विक। फोटोग्राफर अच्छे थे, टीम अच्छी थी और छोटी भी थी, तो
फटाफट शॉर्ट हो गए। और जैसे मैंने बताया कि मैं सिर्फ अकेला खास था तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं शॉट में, और फाइनली हमारा पैकअप हो गया। ये शूट मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है उसमें, क्या लोकेशन है। लोकेशन, हाँ लोकेशन जो है वो ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास है। और मैं आपको जैसे मैंने अपनी पहले वीडियोस में दिखाया अपने शूट, वैसे दिखाता हूँ कि ये शूट कैसे होने वाला है। तो मिलते हैं अपने शूट पे। सो टिल देन स्टे ट्यून। तो बीच में लग गई थी मुझे लघु शंका, तो मैं बस 2 मिनट में आया और फटाफट फिर अब आगे चलते हैं। ये हाईवे है तो आवाज़ तो थोड़ी आपको ट्रैफिक की ज़्यादा आ रही होगी, तो मैं अब फटाफट सुसु करके आ चुका हूँ और अब चलते हैं अपने शूट पे। तो आज का जो कॉल टाइम है बड़ा रिलैक्स था। नॉर्मली आपने देखा कि पहले की वीडियोस में जो कॉल टाइम होता है वो मॉर्निंग का 6 बजे का होता है, लेकिन इस बार 10 बजे का था। तो मैं आराम से उठा, फ्रेश हुआ, खाना वाना खाया और तब निकला। तो अभी जो रास्ता है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो मैं रास्ता दिखाते हुए आपको शूट लोकेशन पे मिलता हूँ। जी पहुंच गए हैं हम अपनी लोकेशन पे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि अंदर से कैसा है, क्या सेटअप है। बस मैं अपना सामान निकाल लूं। और ये है लाइटिंग का सेटअप। तो जैसे पहले शूट में था तो लाइटिंग का सेटअप जो है काफ़ी अच्छा खासा हैवी होता है, कितने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं तब जाके कोई अच्छा शॉट आता है। तो ये है हमारा आज का शूट लोकेशन। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ पे लाइटिंग लगी हुई है फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ पे शॉट चल रहा है। अभी मेरा शॉट नहीं है, थोड़ा टाइम है। तो अभी अंदर चल के दिखाता हूँ मैं कि ये जो लोकेशन है अंदर से कैसे दिखाई देती है। यहाँ से है ये इसकी एंट्रेंस। चलो ऊपर चलते हैं। तो ये जो शूट लोकेशन है ये मुझे सॉर्ट ऑफ एयरबीएनबी लग रहा है। तो अभी मैं आपको जो ये अपना रूम दिखाता हूँ जिसमें है हम, तो ये है रूम। यहाँ पे जैसे नॉर्मल होटल्स में होता है, जैसे कि पानी हो गया, टी मेकर के लिए आइटम्स हो गए, बेड है, और यहाँ पे कुछ इनका एक सॉर्ट ऑफ पैम्फलेट भी रखा हुआ है और इसका नाम है कपाली। तो ये होम स्टे टाइप है जहाँ पे शूट हो रहा है बाकी। और अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम आ गया है, तो ब्रेकफास्ट के लिए क्योंकि जो कॉल टाइम था मेरा थोड़ा लेट था, तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। तो जो मुझे मिला है इस वक्त वो बस मिला है दलिया, बॉइल्ड एग, हाफ फ्राई, छोले, भटूरे भी थे लेकिन मैंने भटूरे नहीं लिए क्योंकि बहुत ऑयली थे। तो बस अब ये थोड़ा लाइट सा ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं शूट पे नहीं किसी होटल में रहने आए। चाय बन रही है, अपना रेस्ट कर रहे हैं होटल में, काइंड ऑफ। तो अभी शॉट होने में टाइम है, अभी कॉस्ट्यूम ट्रायल हो चुका है। तो सोचा कि क्यों ना चाय बनाई जाए, बस चाय पीते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी देर में शॉट लगेगा।
तो आज का जो शूट है उसमें मेरा करेक्टर है फादर का, एज यूजुअल जो मोस्टली होता है। तो अभी बज रहे हैं 2 और अभी तक मेरा शॉट शुरू नहीं हुआ है, तो अभी मदर और बच्चे का चल रहा है शॉट। होपफुली नेक्स्ट 1 घंटे में मेरा शॉट रेडी हो जाए। तो लंच हो चुका है तो हम बस अब लंच करने बैठे हैं। तो लंच में आज ऑप्शंस हैं राइस, पनीर की सब्जी, दाल, आलू, मिक्स रायता और ये कस्टर्ड। तो जो लंच है वो छत पे लगा हुआ था, बहुत गर्मी है ऊपर, तो मैं एक साथ ही सब कुछ ले आया। अभी शॉट नहीं हुआ है तो मैं थोड़ी देर सो भी लिया। अब सो के उठा तो क्या करें, अभी और टाइम है शॉट में, तो मैंने सोचा क्यों ना एडिटिंग कर लेते हैं। तो अभी मेरे ये नेक्स्ट वीडियो की एडिटिंग चल रही है तो क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए और एडिटिंग करी जाए। तो एडिटिंग करते हैं और थोड़ी देर बाद फिर रेडी होते हैं अपने शॉट के लिए। तो मेरा बस एक ही शॉट था, वो बहुत ही जल्दी हो गया। बस अब मेरा पैकअप हो गया, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। आज का शूट तो मेरे कुछ ज़्यादा नहीं रहा, थोड़ा सा था, लेकिन दिस इज़ द फ्लेवर ऑफ शूट। कहीं किसी में बहुत सारे शॉट्स होते हैं, किसी में कम होते हैं, कोई बहुत जल्दी ही फिनिश हो जाता है, किसी में बहुत ज़्यादा टाइम है। सो एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो मेरा शूट का वीडियो ही होने वाला है। तो आज मैं शूट के लिए द्वारका एक्सप्रेस वे साइड आया हूँ। जो आज का शूट है वो एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के लिए शूट है। तो अगेन फैमिली शॉट्स ऐसे होते हैं कि 2 कपल हैं, 2 बच्चे हैं और प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, मतलब जो वहाँ का एक रिक्रिएशनल एरिया है, बेडरूम है और भी काफ़ी कुछ। तो ये सब कुछ होने वाला है, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। और बाकी देखते हैं कि क्या क्या शॉट्स होंगे। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पहली वीडियो के जैसे अच्छी लगे। सो कंटिन्यू करते हैं, सो स्टे ट्यून। तो ये है हमारा पहला चेंज। तो पहला सीक्वेंस है जिम का जिसमें हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास रेड टी शर्ट और ग्रे लोअर। तो फटाफट अब सीधे शूट लोकेशन पे मिलते हैं। तो जो इनका जो पहला लोकेशन है जिम का, जो सामने आपको थोड़ी सी लाइट अंदर दिखाई दे रही होगी, वहाँ पे जिम है। तो वहाँ पे अभी हमें जाना है, तो चलते हैं फटाफट। तो जिम का सीक्वेंस खत्म हो गया, बस अब हम लंच के लिए पहुंचे हैं। तो फटाफट लंच करते हैं, नए शॉट के लिए रेडी होते हैं और फिर शॉट में मिलते हैं। आज खाने में है पनीर, राजमा, गोभी की सब्जी, रायता और रोटी। तो आज कुछ ज़्यादा आइटम नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। और जिम के साथ ही एक किड्स रूम बनाया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप वर्कआउट कर रहे हो आपके किड्स साथ में खेल सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं काफ़ी, जैसे कि
चेस है, ऊनो है, जेंगा है, स्क्रैम्बल है। सर ये वाले को लगा दो, लेंस लगा दो, टू एक्स का ठीक है। इधर बच्चा है, ये देखो क्या होगा, इधर एक बच्चा हो गया है, एक इधर बच्चा। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई, एक नंबर हाँ। तो अब नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारा दिवाली का, तो अब दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और आपसे मिलते हैं सेट पे। नॉट बैड है। तो बस फाइनली पैकअप हो गया। तो आज का पैकअप हुआ मेरा 8:30 बजे, तो एग्जैक्ट 12 आवर्स लग गए इस शूट को होने में। तो बस आज का ये छोटा सा वीडियो था, आई होप ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो की तरह आपको अच्छा लगा होगा और आगे भी बहुत सारा कंटेंट कुछ डिफरेंट आने वाला है, सो स्टे ट्यून गाइस। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो प्लीज़ लाइक करें बिना मत जाना, और कुछ अच्छा या बुरा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। सो सी यू टिल देन एंड मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय।